2 लाख वोट से अधिक जीते एकदम। महंगाई, बेरोजगार, सभी जनता दुखी है। 400 पार का नारा 200 पार पे ना तो युवा रोजगार मिला जी, ना किसान वास्ते कुछ करे जी। ठीक है, अभी दुखी है लोग सरकार से। आज मैं मौजूद हूँ लाडवा के गांव रामपुरा में, जो कि बबैन खंड में आते है। यहाँ लोगों से जानेंगे अब की बार वो किसकी सरकार बनाएंगे। हाँ जी, सर क्या लगता है अब की बार कुरुक्षेत्र के लोगों का क्या मूड है? अब की बार ऐसा है जी, जो साइनिंग इंडियन के साथ बीजेपी के साथ हुआ था, अब का मोदी का 400 पार का नारा 200 पार पे रहेगा। हाँ जी, और हम यहाँ पे, हमारा जो परिवार है 40 साल से कांग्रेसी परिवार है, लेकिन जो पार्टी ने हमारे को सुशील गुप्ता झाड़ू आप आदमी पार्टी के हिसाब से दिया है, तो हमारी पूरी वोट उनको जाएगी। अब पूरे इलाके में और क्या चर्चाएं में? बहुत अच्छा रुझान है जी, और मेरे ख्याल से मैं 2 लाख से तो ज़्यादा से यहाँ जीत होगी। और जिंदल जी के बारे में भी सबको पता है, वो पहले कांग्रेस से थे और अब वो बीजेपी से, वो ठीक हो। क्या मुद्दे हैं जो जिन पर बीजेपी विफल रही? मुद्दा एक हो तो जी, मैं आपको बताऊँ, अनेक मुद्दे हैं सारे टोटल। किसान रो रहा है, किसान का क्या होता है जी, 20-50 रुपये देने से कितनी बढ़ गई? अगर इन्होंने बढ़ा दिया उसमें 1000-2000 रुपये बढ़ गए, 5-5 क्विंटल कम निकल रही है, बताओ क्या है? और अब तेल देखो, खाद देखो, सारा का सारा देखो आप, क्या क्या बढ़ता है? नहीं, एक 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 रेडी वाला भी चलो, लेकिन अच्छी है, वो रेडी लगाता है, हम मानते हैं उसको कमाना चाहिए, लेकिन वो भी अच्छा पालन पोषण कर रहा है। तो गरीब की आप देखो हाल, 2 किले वाले की, 3 एकड़ वाले की क्या हालत है, कैसे बच्चे पढ़ाएगा? हमारा भी दिल करता है कि हम भी DPS में पढ़ाएं बच्चों को अपने को, हमारा नहीं दिल करता। ट्रांसपोर्टेशन के कितने खर्चे हैं देखो आप, हालात खराब है। मैं ये कह रहा हूँ जी, शायद हर रोज इलेक्शन तब तक जाएंगे 3 लाख पे जाएंगे कम से कम, जितनी इनकी पहले जीत हुई थी नायब सैन की यहाँ से, जो हमारे अब डमी CM बने हुए हैं हरियाणा के, अब उनको लग जाएगा पता। और मेरे ख्याल से तो मुझे क्लीन स्वीप लगता है, लेकिन 7 सीट तो आप पक्की मान के चलो। ये हार रहे हैं बीजेपी वाले, कुरुक्षेत्र से हार रहे हैं, और करनाल से खट्टर हार रहे हैं, और जी सोनीपत से हार रहे हैं, रोहतक से हार रहे हैं, और सिरसा से भी हार रहे हैं। 3 सीट का भी थोड़ा हाई कन्फ्यूजन है, लेकिन वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। ये क्लीन स्वीप यहाँ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करने जा रही है। अब चुनाव नज़दीक आ गया तो क्या लगता है कुरुक्षेत्र में बदलाव होगा? लोग झाड़ू के साथ जाएंगे या कमल खिलेगा? झाड़ू के साथ जाएंगे जी, लोग तो झाड़ू के साथ जाएंगे। क्यों लगता है झाड़ू के साथ जाएंगे? बस ये गठबंधन का वो है जी, उसके साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, कैसे कारण रहे लोग बदलाव की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 10 साल के बाद भी मोदी कह रहे कि मैं 3री बार बनूंगा। बन जाएगा जी, जो तो बनने पर कह रहे हमारे हिसाब से कुछ ऐसा है नहीं, दिखता है ऐसा भी ना दिखता है, किसान ना भी दिक्कत आ और अरे गरीब आदमी ना भी सब ना दिक्कत आ जी, ऐसा नहीं किसी के पास रहा। नुका थे बोले बीजेपी GT बेल्ट पे, आप भी GT बेल्ट पे हो, तो GT बेल्ट भी बदलाव करेगी? बिल्कुल करेगी जी, लोगों के मन में तो है, लोगों के मन में है। तो और क्या मुद्दे आपको लगता है इस चुनाव में दिखेंगे? किसान, पहलवान, रोजगार, सारे हैं जी, सभी वर्ग दुखी है इससे, सभी दुखी। तो सुशील गुप्ता का लगता है आपको झाड़ू चल सकता है? बिल्कुल चलेगा जी, 2 लाख वोट से अधिक जीतेगा। हाँ जी भाई साहब, के मियों तला गए का लाडवा में क्या बदलाव है? MP किसे बना रहे हो? बहुत अच्छी लहर चल रही जी, झाड़ू की जी, तक जी गुप्ता की चल रही है। झाड़ू क्यों चलाओगे? झाड़ू तो एकदम महंगाई, बेरोजगार, सभी जनता दुखी है जी, दुखी है। किसान और पहलवान सब दुखी है जी, पहलवानों के लिए तो आपने पति है जी, क्या होया? तो मुद्दे है ये, पहलवान का कोई असर है कुरुक्षेत्र? बिल्कुल सही, पूरा असर है जी, पूरा असर है। तो और क्या ऐसे महंगाई में क्या कैसे फर्क नजर आ रहा है? अब की बार महंगाई बढ़ी, महंगाई तो जी देखो जी, एक तो बेरोजगारी जी, महंगाई तो यह जी, सिलेंडर देख लो कहाँ जा रहा है जी, तेल हमारा कहाँ जा लिया जी, हमारी जो किसान की जो खेती की चीज़ें हैं उन पर कितनी कहाँ पहुँच रही जी, सारी चीज़ पर GST लग रही है जी। तो लोग बदलाव करें? बिल्कुल बदलाव चाह जी, और बदलाव आना भी चाहिए जी। भाई माना तो दिहाड़ी करनी, कोई वो नहीं हमारे पास, रोजगार नहीं है कोई भी, हम तो ऐसी हुई है भी, हम तो कहाँ रोजगार मिला कोई। मोदी का पकौड़े तल लो, पकौड़े तल लो भाई, मोदी मानेगा पकौड़े खिलावागा, हम तो ऐसी हो रहा है, ऐसी हो गजर जाने वाले भाई, तलने नहीं आंदे ना भाई। अच्छा यूं बताओ, अब की बार झाड़ू चलेगा कमल खिलेगा भाई? हम तो कहा झाड़ू चला भाई, झाड़ू चला। हाँ, झाड़ू के साथ रजाओगे? हाँ।
चला होगा झाड़ू। हम दुकान भी अच्छा चल जाए झाड़ू, बेचारा वो भी चलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए उसका भी। मजा नहीं आ रहा मोदी की राज में? नहीं भाई, कोई मजा नहीं आया। कोई मजा नहीं आया ना जी मोदी के राज में? बोले जीरी गई जहाज में, ऐसा तो आगे ब्याज में चली गई भाई। बारा तो यही चल रहा है अभी, हम क्या करा भाई, हम तो गरीब भी दो इन्हें बाहर रखे। झाड़ू चलेगा या कमल खिलेगा? झाड़ू चलेगा जी। झाड़ू? हाँ जी। क्यों झाड़ू क्यों लग गया? मोदी 10 साल देख रही जी मोदी ना, कुछ कर रहता नहीं जी ग्राउंड को, कोई मजा नहीं आया, बस दिखावा जी अखबार में मीडिया में मोदी मीडिया में। विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास होया जी, कुछ नहीं हुआ, ना तो युवा ना रोजगार मिला जी, ना किसान वास्ता कुछ करे जी, बस खाली जो इलेक्टर बोर्ड का मुद्दा उठ रहा जी, अपने घर भरया, उसके सिवा कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा ना जी। क्या ऐसे मुद्दे लगते हैं कि जिनसे लोग दुखी हैं? जिस तरह जी किसानों की बात करी जाए, किसान ना कहोगे जी, ठीक है जी, पिछले 5-7 साल से तो किसान रोड पर बैठे है जी, इस तरह का कोई हल नहीं है जी, हर दिन किसानों के खिलाफ कुछ न कुछ देखने की बात। तो सरपंचों में कुछ नाराजगी है? हाँ जी, सरपंचों में नाराजगी है जी, गाँव में कोई काम नहीं है जी इस तरह का भी। मलकीत, क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। अब एमपी का चुनाव है तो क्या लगता है, कुरुक्षेत्र में झाड़ू चलेगा या कमल खिलेगा? झाड़ू चलेगा। झाड़ू चलेगा। झाड़ू ना क्यों चलाना चाहो? ठीक है, अभी इससे दुखी है रे लोग, सरकार से, सरकार से दुखी है। क्या ऐसे काम सरकार ने करे जिनसे लोग दुखी हो? करे ही नहीं, बस कुछ नहीं, तो कुछ करा ही नहीं, कुछ नहीं करा ना, जिम्मेदार करे किसान का ना कहीं। विकास कहीं हुआ कि नहीं? कहीं विकास नहीं कुछ। 10 साल का तो हो जाना चाहिए, 10 साल हो गए तो। वो है नहीं भैया, सड़क सुड़क सब है यहाँ, कुछ नहीं है, ऐसे ही कोई हालात नहीं बदले, कोई नहीं कुछ बदला। तो लगता है कि झाड़ू चलने से कुछ विकास की ओर आदमी जाएंगे? आज तो यही मान लेंगे, तो झाड़ू चलेगा कमल खिलेगा? झाड़ू चलना चाहिए, झाड़ू चला गई से भरी। झाड़ू क्यों चलना चाहिए? झाड़ू यार, झाड़ू वाला जो वो है भाई केजरीवाल जी, इसने भाई तेरा बढ़िया ही बंदा सिस्टम कर रखा है कुरुक्षेत्र में भी, सब जगह भी, क्योंकि आज लग भाई लोकसभा में जड़ा भी जाम, कदे कुरुक्षेत्र का नाम नहीं सुनया, कदे उसका साहबत का, कदे कैथल का नाम नहीं सुना, लेकिन जो सुनील, डॉक्टर सुनील गुप्ता जी है ना, ये सब चीज का नाम लेंगे इसमें, मतलब देश में नाम रोशन करते हैं। हाँ, उम्मीद है कुछ काम होगा। पूरी उम्मीद है, फुल सक्सेसफुल होगा काम। और बोल